Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Kritika here at Kritidha TV. After so long, because I was not getting time to make any videos due to my busy schedule, but now I'll be having time to make videos and will be continuing all the that series hashtag Banaras tour parts like that. It was like part 3rd we have made and we will be making part 4 soon. But without any further discussion, let's get started. So today's video is all about makeup tutorial. So as you can see, I have washed my face and I'm looking so dull because I didn't have any makeup on my face. So yeah, if you don't believe, no makeup. So let's get started. First of all, we will be having moisturizer on our face because our face should be moisturized before using makeup so that it should not be harmed due to makeup. So first of all, we will be applying moisturizer. So yeah, moisturizer on our face, so we need to moisturize our lips also. So we will apply lip balm also right now only. So बहुत सारे लोगों का मेकअप काला पड़ जाता है, तो मेकअप काला ना पड़े इसलिए ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जो बहुत ही प्रोफेशनली मेकअप करते हैं वो प्राइमर यूज़ करते हैं, बट मुझे ज़रा समझ नहीं आता प्राइमर एंड ऑल. सो बिकॉज मैं उतना मेकअप करती नहीं हूँ, मुझे इतना कहीं जाती नहीं हूँ, और टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए भी प्रॉपर लाइट और हल्का मेकअप ज़्यादा बेटर है. इतना सारा मेकअप यूज़ करके अपनी स्किन पूरी तबाह कर लेने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा मेकअप और ढेर सारा फिल्टर यूज़ करें मेरे जैसे लोगों के लिए जो सुंदर है उनकी बात अलग है. सो हम प्राइमर की जगह एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं. एलोवेरा जेल हमारा मेकअप काला होने से बचाता है. सो या अब हम मॉइस्चराइज़र के बाद यूज़ करेंगे एलोवेरा जेल ताकि हमारा मेकअप काला ना पड़े. और हाँ, ये ट्यूटोरियल है ऐसे नॉर्मल अगर आप कहीं जा रहे हो या आप फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो और बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं, बट आप फोटोज़ में बुरे ना लगो जैसा कि मैं चाहती हूँ मैं फ़ोटोज़ में बुरी ना लगूँ एंड ऑल, तो उसके लिए आप ये मेकअप ट्यूटोरियल मतलब अप्लाई कर सकते हो, अपनी आपको काम आएगा. सो हम एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे. तो या हम लोग अब एलोवेरा जेल भी लगा चुके हैं, अब हम प्रोसीड करेंगे अपने आगे के मेकअप की तरफ. सो अब टाइम है कोई भी वाइटनिंग क्रीम, जो भी आप वाइटनिंग क्रीम यूज़ करते हो आप वो लगा सकते हो. सो या मैं अपनी वाइटनिंग क्रीम लगाऊंगी. ड्रेस में लग गई. सो या ओके, एक्चुअली अब ये मत बोलना आप लोग कि क्या फ़र्क पड़ रहा है आपके फेस में, ज़्यादा कुछ तो उतना कुछ है नहीं, मेकअप की ज़रूरत ही क्या पड़ रही है. अगर हम मेकअप ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो
क्या मतलब है मेकअप यूज़ करने का। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो आपको इतना ज़्यादा मेकअप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल मेकअप में भी जा सकते हो। ये नो मेकअप लुक के लिए है कि आपने मेकअप किया भी है और किसी को पता भी नहीं चले कि आपने मेकअप किया है। अब हमने वाइटनिंग क्रीम भी लगा ली है। अब आ रही है जिनके डार्क सर्कल्स हैं मेरे जैसे उनके लिए वो कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। बाकी फाउंडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, फाउंडेशन से फेस अलग से समझ में आता है कि फाउंडेशन आपने लगाया है, फाउंडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कंसीलर लगा सकते हैं। ब्लेंड हो चुका है, बट जिनके भी आई कॉर्नर्स ये साइड में जैसे ब्लैक है वो और कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। मैं बता देती हूँ कि आपको कंसीलर यहाँ आई कॉर्नर्स में कैसे यूज़ करना है। वेट, आप थोड़ा सा कंसीलर से हाथ पे ले लो और इनर कॉर्नर्स में आईज के लगा लो। देन आफ्टर ब्लेंडेड, मेरे तो ब्लेंडर मिल नहीं रहा आज, पता नहीं क्या हो गया। मैं हाथ से ही ब्लेंड करूँगी, आप ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हो। अब हम कंसीलर भी ब्लेंड कर चुके हैं। अब कंसीलर अप्लाई करने के बाद हम कोई भी फेस पाउडर जो मतलब कि कॉम्पैक्ट, जो भी कॉम्पैक्ट आप यूज़ करते हो वो आप यूज़ कर सकते हो। अब हम कॉम्पैक्ट लगा चुके हैं, तो अब हम अप्लाई करने वाले हैं आई शेडो, ताकि हम थोड़े से क्यूट लगे। इसके लिए हम आई शेडो लगाएंगे। आई सजेस्ट पिंक कलर इज द बेस्ट बिकॉज पिंक कलर बहुत ही क्यूट होता है। मेरे हिसाब से पिंक कलर बेस्ट है, मैं पिंक कलर लगाऊंगी। एज हम नो मेकअप लुक करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। अब पिंक आई शेडो लगाने के बाद हम आई लाइनर लगाएंगे। मुझे पर्सनली आई लाइनर अच्छे से लगाना नहीं आता, मतलब पेंसिल वाला आई लाइनर लगाने आता है बट ये जो लिक्विड वाला रहता है दैट्स नॉट माई वर्क। अब हम आई लाइनर लगाएंगे। लगाना शुरू करते हैं। Personally, I'm not that so good at eyeliner, but okay. अब आ रही है लिपस्टिक की, सॉरी लिपस्टिक से भी पहले मेरा फेवरेट जो कि मुझे बहुत पसंद है लेकिन नेचुरली वो मेरे पास नहीं है। लेट मी टेल यू वो क्या चीज़ है। दे आर माई आईलैशेस। मुझे आईलैशेस बहुत पसंद है बट नकली आईलैशेस ना, पता चला कहीं एक आईलैशेस गिर गया मुझे पता ही नहीं और मैं ऐसे घूम रही हूँ पागलों जैसे, हो सकता है कभी किसी के साथ। मैं मस्करा लगाने वाली हूँ।
सो या मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है। सो वंस अगेन हम लिप बाम एक बार लगाएंगे, फिर उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। सो या मुझे रेड लिपस्टिक बहुत पसंद है। अगर आपके ऊपर कोई और कलर की लिपस्टिक अच्छी लगती है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। सो या हेयर वॉस, नो इट्स नॉट द एंड, मुझे हेयर स्टाइल भी बतानी है। सो या ओके, सो अब हम हेयर स्टाइल करेंगे। Okay, so here is my final look. So do let me know how am I looking. And अच्छी सी तारीफ लिख देना यार. So you can dress up. This hairstyle is constant for each and every dress. You can make this hairstyle in each and every dress. So yeah. अब हमारी hairstyle बन चुकी है, हम पूरे ready हो चुके हैं. Don't forget to okay, so here our video ends and yeah, don't forget to subscribe my channel Kritidhar TV and yeah, said I miss you. Mazak tha, bas video ke liye bol rahi hu, baki koi miss nahi karti. And do subscribe the channel Kritidhar TV and put the thumbs up, like this video and also share it with your friends. So that they can also have this look. Okay, so bye bye.